वेलकम टू सा फैमिली किचन। आज मैं आपके साथ में भेटकी माछेर पातुड़ी का रेसिपी शेयर करूंगा। केले के पत्ते में बना हुआ एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है। यहाँ पर हमने भेटकी मछली लिया हुआ है, 1 किलो 850 ग्राम है ये टोटल वजन। इसमें हम अब नींबू डालेंगे, एक बड़ा साइज का नींबू और एक टेबलस्पून नमक, ये दोनों मिला करके इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। करने के बाद आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमने एक और पेस्ट बनाया है जिसमें 10 पीस करीब हमने मिर्चा लिया हुआ है, 8-10 लहसुन की कली ली हुई है और 6 टेबलस्पून पोस्ता लेकर के एक साथ पीस करके हमने ये पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनने के बाद इसका जो कंसिस्टेंसी है उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, ये थोड़ा सा सूखा ही रहेगा। इसके बाद हमने एक और पेस्ट बनाया है जिसमें हमने 2 टेबलस्पून काली सरसों और 2 टेबलस्पून पीली सरसों और थोड़ा सा पानी डाल करके हमने ये एक पेस्ट बनाया है। कंसिस्टेंसी को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, पेस्ट थोड़ा ठीक होना चाहिए। आधे घंटे फिश की मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमने जो पोस्ता और लहसुन मिर्चा का जो पेस्ट बनाया है अब इसके अंदर में हम मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए आपका पेस्ट, जितना आप इसको कम गीला रखेंगे मैरिनेशन में उसको आपको उतना ही बढ़िया रहेगा। और 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। अब इसके बाद फिश के साथ अच्छी तरीके से हमें पेस्ट को मैरिनेट करना है। अब ये हमने अच्छी तरीके से अपने फिश को मैरिनेट कर लिया है और मैरिनेट करने के बाद में थोड़ा सा हर फिश को आप थोड़ा थोड़ा पोक कर दीजिए। पोक करने के बाद इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ताकि क्या होगा जो आपने मैरिनेट किया है वो अच्छी तरीके से फिश के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से पोक कर लीजिए। अब इसमें हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मजे की बात यह है कि इस आइटम में आप देखेंगे बहुत ही कम मसाला, बट इसका जो टेस्ट जब ये उतर के आएगा तब आपको मज़ा आ जाएगा। और तेल डाल करके अच्छी तरीके से सारे फिश के साथ मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा सारा पेस्ट है वो फिश के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी जो आइटम हम फिश पातुरी बना रहे हैं इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम पातुरी को केले के पत्ते के अंदर स्टीम करते हैं। तो उसके लिए हमें एक केले का पत्ते को रेक्टेंगल शेप में हम लोग काट लेते हैं। काटने के बाद केले के पत्ते को अच्छी तरीके से गैस ओवन के ऊपर में थोड़ा सा एक सेक लेते हैं। उससे क्या होता है कि पत्ता थोड़ा नरम हो जाता है और नरम होने के वजह से वो पत्ता टूटता नहीं है, जब आप उसमें रैपिंग करते हैं तो वो पत्ता टूटता नहीं है। और केले के पत्ते में एक कश होता है जो गैस ओवन पर आप जब उसको सेकते हैं तो वो कश जो है वो खत्म हो जाता है और केले का पत्ते का एक अच्छा फ्लेवर आपके फिश के अंदर में आता है। ये एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है, मैं आपको जरूर बोलूंगा इसको जरूर घर पे ट्राई करिएगा, आपको इसको बनाने में भी मजा आएगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। स्टीम करने के पहले केले के पत्ते में इसको रैप करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रैपिंग के प्रोसेस को करना चाहिए। अब हम फिश को बनाना लीव्स केले के पत्ते में रैप कर रहे हैं। ठीक स्टीमिंग के पहले मैं फिश डाला, थोड़ा सा मैरिनेशन डाला, ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और एक ग्रीन चिल्ली डाल करके अब हम बनाना लीव को फोल्ड करके क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हम
इसको एक धागे से बांध देते हैं ताकि स्टीमिंग के दौरान ये खुले नहीं। इसी तरीके से आपको सारे फिश को रैप कर लेना है, फिश को स्टीमिंग करना है। तो आपने देखा था हमने केले के पत्ते में फिश को रैप कर लिया है और यहाँ पर हम स्टीमर यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन में हमने पानी भर लिया है और इसके बाद सेकंड पोर्शन में उसमें अपना फिश डाला है और फिश स्टीमर में जो नीचे वेपर जो क्रिएट होगा उससे हमें इसे सेकना है और ऊपर से हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। स्टीमर अब हमारा रेडी है। अब हमने अपना स्टीमर जो है वो गैस ओवन पर रख दिया है। अब इसको हम आधा घंटा के लिए गैस के ऊपर में स्टीम करेंगे और कुक करेंगे। हम अपना गैस अब ऑफ कर दिए। अब इसके बाद हम स्टीमर खोल के चेक कर लेंगे हमारा जो पातुड़ी है वो रेडी हुआ कि नहीं। नॉर्मली आप देखेंगे जब ये केले के पत्ते का रंग चेंज हो जाता है इसमें समझ में आ जाता है कि ये पातुड़ी कंप्लीट हो गया है। और आपने देखा है जैसे हमने पोक करके चेक किया अगर वो अच्छी तरीके से कुक हो जाता है तो कहीं भी आपके कांटे में मसाला या फिश कहीं भी स्टिक नहीं करता है, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये कंप्लीट हो गया है। हमारा फिश पातुड़ी रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्राई करके देखेंगे ये कैसा बना है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ आप सर्व करिए, बहुत ही लाजवाब टेस्ट हुआ है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।